हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राउंड बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग आपको कैसे करना है, वन टक्स वाला ब्लाउज की कटिंग आपको कैसे करना है, और स्टिचिंग भी साथ में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर कहीं भी दिक्कत है समझने में तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइए, ताकि आपका प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व कर पाए। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज का जो साइज होगा वो 34 साइज वाला ब्लाउज होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कपड़ा को हम डबल फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देख रहे हैं मेरे जो ब्लाउज है वो बॉर्डर वाला ब्लाउज है, चौड़ा बॉर्डर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो एक तरफ का बॉर्डर है वो बैक साइड में लगेगा, और एक तरफ का बॉर्डर हमारा स्लीव्स में लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, इस तरीके से पहले डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे। तो ब्लाउज का साइज है हमारा 34 साइज। 34 साइज का हमको 1/4 भाग लेना है। तो देखिए, मेरा जो पूरा फिटिंग्स आएगा वो आएगा 8.5 इंच पर, और हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। देखिए, अब यहां से हम लंबाई लेंगे ब्लाउज का 13.5 इंच। अब हम पूरा शोल्डर रख रहे हैं 5.5 इंच। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम आर्महोल का लंबाई लेंगे, तो 5.5 इंच रख रहे हैं हम। अब इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, कोना जिस तरफ आर्महोल का कोना निकला वहां से हम ऊपर तरफ लेंगे 1 इंच, दाग दे दिए। अब इसको हम गोलाई का शेप देंगे इस तरीके से, ये हो गया। अब देखिए, हम शोल्डर ले रहे हैं, तो शोल्डर हम लेंगे यहां से 3 इंच। और ब्लाउज का डीप आपको जितना रखना है उतना ही लेना है, तो हम यहाँ पे 10 इंच रख रहे हैं डीप, थोड़ा ज्यादा डीप रखेंगे। अब यहां से हम इस तरीके से चरखुट कर लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा डिजाइन देंगे ब्लाउज में। अब देखिए, इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जहां से हम नाप लिए थे वहां का सेंटर पॉइंट पर हमें, देखिए जहां से फिटिंग्स आएगा वहां से हमें टक्स का निशान लगाना है। यहां पर मेरा टक्स का निशान लग गया। अब जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जहाँ पर टक्स का निशान लगा था वहाँ पे कट्स लगा देंगे, ताकि पता चले कि हमें टक्स कहाँ लगाना है। तो देखिए इस तरीके से मेरा पूरा ब्लाउज का जो बैक साइड का कटिंग है वो हो गया है। अब हम फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। अब देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिए हैं फ्रंट साइड के लिए। अब जो बैक साइड है उसको हम इस तरीके से रख के, और आर्महोल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और शोल्डर पे, और जितना हम लिए थे नाप फिटिंग्स उस पे, फिर इसको हटा देंगे। तो देखिए लाइन ड्रॉ हो गया है। अब हम फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जितना हमें डीप रखना है फ्रंट साइड में उतना ले लेना है। तो हम यहाँ पे 6 इंच रखेंगे डीप, ज्यादा डीप नहीं रख रहे हैं। इसको हम इस तरीके से चरखुट कर दिए, और फिर गोलाई का शेप दे दिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो टक्स लगाएंगे हम, तो टक्स का निशान लगेगा 9.5 इंच पर। यहाँ पर मेरा टक्स लगेगा यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ से हम 3.5 इंच रख रहे हैं, साढ़े
3.5 इंच रख लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम यहाँ पे ऊपर तरफ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे और इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम टक्स का निशान पहले लगा लेते हैं, तो इस तरीके से सीधा लगेगा मेरा टक्स का निशान। और फिर हम नीचे तरफ रखेंगे और 1 इंच और फिर इसको हम इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए यहाँ से और ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से बनेगा बेल्ट नीचे तरफ का, ध्यान रहेगा। देखिए इस तरीके से गोलाई का शेप बनेगा। अब हम जैसे लाइन ड्रॉ किए वैसे कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम अलग से बेल्ट का कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को साइड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बेल्ट का कटिंग होगा। गला का भी कटिंग हो गया। अब जो जॉइंट है इसको हटा लेंगे और जो टक्स का निशान है इस पे कट्स लगाएंगे। तो ये हो गया फ्रंट साइड का। अब हम बेल्ट का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फिर वैसे ही हम कपड़ा को डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं। अब हम फ्रंट साइड को इस तरीके से रखेंगे। पहले बेल्ट का हम चौड़ाई नाप लेते हैं कि हमें कितना चौड़ा रखना है बेल्ट। तो बेल्ट हम फ्रंट साइड में रखेंगे 5 इंच और अंदर तरफ रखेंगे 4.5 इंच, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरा 12 इंच है, तो यहाँ पर हम 12 इंच रखेंगे। इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम इस तरीके से रख के और बेल्ट का निशान लगाएंगे ताकि बेल्ट जो है परफेक्ट गोल बने। तो देखिए इस तरीके से बेल्ट मेरा बन के तैयार हो जाएगा। अब जैसे लाइन ड्रॉ किए वैसे कटिंग कर लेंगे। देखिए इसको हम इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जॉइंट कैसे करेंगे ये भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टक्स लगाएंगे एक, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही टक्स लगाएंगे तो यहाँ पे एक पफ बन जाएगा। उसके बाद हम इसको इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे तो हमारा बेल्ट वाला जो ब्लाउज है वो बन के तैयार हो जाएगा। और ये हो गया मेरा बैक साइड। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।